You know, what is the worst part about traveling? That you have to leave the place you love. Triund was one of the places where I wanted to come since a very long time. I've captured enough memories here that can keep me smiling for a very long. Now with heavy hearts and excitement to explore a new place, let's start the downhill track from Triund to Gallu Devi. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today is 6th of July and a very good morning from Triund top. क्या प्यारा सनराइज हुआ है. हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे सनराइज देखने के लिए. अब तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन डेड था बिल्कुल, लेकिन बहुत प्यारी धूप है इस समय, हल्की हल्की हवा चल रही है. कल हमें लग रहा था कि हमें उतरने में दिक्कत होगी क्योंकि रात को बारिश बहुत तेज़ पड़ी है, लेकिन मौसम एकदम खुल चुका है और हम लोग आराम से उतर जाएंगे. हल्का मड्डी हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है, लेकिन वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली उतरने में. कल रात का एक भयंकर इंसिडेंट शेयर करता हूँ. जो हमारा 8-10 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने हमने साथ में ट्रैकिंग करी है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल ट्रेन टॉप, तो हम लोग सब रात को बैठ के बातें कर रहे थे. लाइक 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा होगा, हमने देखा नीचे से 3-4 लाइटें दिखाई दे रही हैं एंड वी वर शॉक्ड टू सी कि 4 लोगों ने रात को 9 बजे ट्रेन ट्रैक स्टार्ट करा है और 2 घंटे में रात को 11 बजे ऊपर पहुँचे. समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इसको, बेवकूफ़ी बोलूँ, पागलपन बोलूँ, जो भी है ये, लेकिन This is really not done. उनको देख के हमें खुद goosebumps हो रहे थे यार. इतनी तेज़ बारिश में कैसे यार अंधेरे में करके आए, वही आँखें हैं, दिखता कैसे है यार ऐसा. और एक बंदा तो चप्पल में आया था ऊपर. यहाँ हम रोते हैं कि यार ट्रैकिंग शूज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बंदा चप्पल में ऊपर आया था और ऊपर आधे घंटे रुके हैं. ऐसा ऊपर सब फुल था, गिने चुने तो जगह है रुकने की इस समय, यहाँ पे मुश्किल से 20 लोग भी नहीं है ऊपर हम इस समय. तो वो लोग आधे घंटे में रुक के फिर उसी बारिश में रात को वापस उतर गए. ऐसा मत करो यार, सेफ नहीं है ये. अपर निगम तो अपने घर वालों के बारे में सोचो, क्या कर रहे हो तुम. लेट मी गिव यू अ ब्रीफिंग. यहाँ फूड कितना ज़्यादा महंगा है. महंगी 60 रुपये की है. 2 अंडे का ब्रेड आमलेट 150 रुपये का है. रात को राजमा चावल खाए थे 200 रुपये के. तो ऊपर आए ना तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये लेकर आए, क्योंकि 1000-1500 कम में आपको यार अपने को नहीं मिलेगा. और कुछ नहीं तो 500 रुपये का तो एक जना खा ही ले गया आराम से. तो इस हिसाब से ऊपर आए कैश ले गए क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ नहीं चलता. नो नेटवर्क, नो नेट, नथिंग. कल जब हम चढ़ रहे थे तो लोगों ने हमारा बहुत बेवकूफ़ बनाया था 2 घंटे 4 घंटे. आज हम डबल बेवकूफ़ बनाने वाले हैं और ये बताएंगे कि पहाड़ी और नदी क्रॉस करके जाना है तब आप पहुंच पाओगे. उतरना आसान होता है लेकिन तब जब रास्ता गीला ना हो. लेकिन कल बारिश पड़ी है तो अभी बहुत स्लिपरी है और पैर स्लिप हो रहे हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल, नहीं तो हम में से कोई नीचे लुढ़क सकता है, बिना चले नीचे पहुँच जाएगा. चले हुए हार्डली 15 से 20 मिनट, मैक्स आधा घंटा हुआ है और बहुत बड़ा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है. यहाँ से ऊपर जाने में कल हमें करीब 1.5 से 2 घंटे लगे थे जो हमने आधे घंटे में कर लिया है. और उम्मीद करते हैं टाइम से जल्दी उतर जाएंगे और आज भी कुछ और घूम लेंगे यहाँ पे. ये वही जगह है जहाँ मैंने चंडी टाइम वीडियो डाली थी कि लेट्स कम्प्लीट द ट्रैक. इतनी धूम थी कल यहाँ पे और आज कितनी तेज धूप हो रही है. क्या आप मुझे नीचे तक पहुंचा पाओगे? क्या आप मेरा हाथ पकड़ोगे? चलो प्रीति, क्या सॉलिड ट्रेल था यार. इतना देखा आपने भी, उतरने में हालत खराब हो गई. बस स्लिपरी है ये, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक वहां तक बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं हम लोग. बहुत अच्छी स्पीड से अप्रोक्सीमेटली अगर हम कोई ब्रेक नहीं लेते हैं तो हम और आधे घंटे में नीचे उतर जाएंगे, जो कि हमारे चढ़ने की स्पीड से डबल ट्रिपल होगा. चढ़ने में हमें लगे थे आई थिंक 5 घंटे और हम 1.5 घंटे में मस्त में नीचे उतर जाएंगे.
गॉड ब्लेस, हम लोगों को उतरने में कोई खास दिक्कत हुई नहीं है, ना बारिश पड़ी है, मौसम एक नंबर रहा है, बस हाँ घुटनों की बैंड बजी पड़ी है, वो तो बजना बनता भी है। और बस थोड़ी देर में चेक पोस्ट पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे अपनी प्लास्टिक जमा करते हैं, वहाँ से गल्लू देवी टेम्पल पे 5 मिनट रुकेंगे, फिर सीधा धर्मकोट, देन आई विल कीप यू पोस्टेड आगे कहाँ जाना है। अभी रास्ते में करीब 15 से 20 लोग ऐसे मिले हैं जो हाफ टी शर्ट, बिना रेनकोट, बिना बैक कवर और चप्पलों में ऊपर जा रहे हैं, सूटों में ऊपर जा रहे हैं, ज्वेलरी पहन के। यार कहीं फंक्शन में थोड़ी जा रहे हो, ट्रैक करने जा रहे हो, थोड़ी सीरियसनेस रखो, लाइफ से इतना रिस्क क्या लेना। आप ऊपर 5 डिग्री टेम्परेचर में हाफ स्लीव की टी शर्ट लेके जा रहे हो, आपके पास रेनकोट नहीं है, चप्पलों में आप ट्रैक कर रहे हो, क्या रिस्क ले रहे थे और क्या कर रहे हो ये। प्लीज़ यार डू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। मेरे पीछे चेक पोस्ट है जिसका मैंने चढ़ते टाइम जिक्र करा था, अभी हमने अपना प्लास्टिक पूरा चेक करवा के सबमिट करा है और सक्सेसफुली त्रियुंड खत्म कर लिया है। राइट नाउ एट द गल्लू देवी टेम्पल, जहाँ से भी त्रियुंड का ट्रैक स्टार्ट होता है, आप धर्मकोट से कर सकते हो और गल्लू देवी टेम्पल से भी कर सकते हो, 2 से 4 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, मैंने चढ़ते टाइम बताया था। बहुत आराम से सक्सेसफुली बिना किसी चोट चाट के, बिना फिसले, आराम से बहुत मजे करके त्रियुंड खत्म कर लिया है, बहुत मजा आया। मौसम एक नंबर था, क्या मतलब 2 मिनट में मौसम बदल जाता है, धूप, बारिश, बादल, बहुत बहुत मज़ा आया। और मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिल गई थी, 2 ग्रुप और मिल गए थे साथ में, एक कोटा का, एक गुड़गांव का, तो हम लोगों ने रात को बहुत मज़े करे हैं। एक यार बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो तो एटलीस्ट सेफ साइड हो गए तो जाओ, प्रॉपर गियर्स और इक्विपमेंट लेके जाओ, कुछ नहीं तो यार कम से कम जूते पहनकर तो जा ही सकते हो, लोग चप्पलों में, निक्करों में और हाफ टी शर्ट में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर 5-6 डिग्री टेम्परेचर है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, एडवेंचर से ज़्यादा आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सेफ रहो, मज़े करो लेकिन सेफली करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू गाइस सून, बाय, टेक केयर, एंड आई एम 100% श्योर आपको त्रियुंड चढ़ने में भी और उतरने में भी बहुत मज़ा आएगा। बाय, टेक केयर।